दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने बातचीत के जरिए अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है, जो किसी भी वक्त हकीकत में बदल सकता है। साथ ही ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी अपना योगदान देने को तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में बदलाव और भारत की स्थायी सदस्यता को भी पूरा समर्थन देता है, जिसकी वजह से आज दोनों देशों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर पिछले कुछ महीनों में दो ऐसे बड़े मुद्दे हुए जिन्होंने ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध पर नए सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि क्या ब्रिटेन श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को अटेंड करेगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चीन का भी है। और क्योंकि ब्रिटेन कई बार कश्मीर मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान दे चुका है, इसीलिए ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती थी कि क्या ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत आएंगे या फिर नहीं। वहीं पर जो दूसरा मुद्दा है वह अब से कुछ महीने पहले शुरू हुआ, जब ब्रिटेन की मीडिया एजेंसी BBC ने भारतीय प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसके बाद भारत की तरफ से काफी कड़ा रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन ब्रिटेन BBC के समर्थन में कूद पड़ा। उसके बाद भारत ने BBC के ऑफिस पर इनकम टैक्स के तहत एक्शन लेते हुए एक काफी बड़ी रेड की, जिस पर बात करते हुए ब्रिटेन ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब ये चीजें साफ तौर पर बदलती नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों बड़े मुद्दों पर ब्रिटेन अचानक से कैसे बदल गया। वहीं पर इन नई डेवलपमेंट का भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों के लिए क्या मतलब बनता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के हाई कमीशन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अटेंड करेंगे, जो कि पाकिस्तान के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले Y20 ग्रुप की मीटिंग अटेंड करने के लिए तुर्की के प्रतिनिधि भी भारत आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। ऐसे में अब ब्रिटेन का भी एक सिमिलर कदम उठाना इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर अकेला पड़ता जा रहा है, और आज कोई भी देश पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी बात है। क्योंकि अगर श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग सफल हो जाती है तो ये पाकिस्तान के प्रोपोगंडा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दोस्तों, ब्रिटेन दुनिया के कुछ गिने चुने परमाणु देशों में से एक है, और अपने शक्तिशाली कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रिटेन का G20 का मीटिंग को अटेंड करना भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ब्रिटेन की देखा देखी कई दूसरे यूरोपियन देश भी भारत को अपना पूरा समर्थन दे सकते हैं। वहीं पर ब्रिटेन के इस कदम के बाद अब आर्थिक स्तर पर भी भारत और ब्रिटेन के संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक में भी भारत ब्रिटेन को ज्यादा खुलकर समर्थन दे सकेगा, क्योंकि हम श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक निर्णायक इवेंट के तौर पर मान रहे थे, ताकि हम दोस्त और दुश्मनों के बीच में एक सीधी लकीर खींच सके। इतना ही नहीं बल्कि जहां एक तरफ ब्रिटिश हाई कमीशन ने G20 की मीटिंग पर भारत का पूरा समर्थन करते हुए अपनी पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ अब BBC को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर भी ब्रिटेन की तरफ से काफी बड़े बयान देखने को मिले, जिस पर ब्रिटेन ने ये बात स्वीकार की कि BBC भारत के अंदर भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा और दोनों देशों के बीच में थोड़े मतभेद जरूर होंगे, लेकिन भारत इस मुद्दे पर गलत नहीं था। यानी भारत ने फरवरी में BBC की ऑफिस पर जो इनकम टैक्स रेट कंडक्ट की थी वह कोई गलत कार्रवाई नहीं बल्कि भारतीय कानूनों के हिसाब से 100% सही था। दोस्तों, इस साल फरवरी में भारत और ब्रिटेन के बीच में BBC के ऑफिस में कंडक्ट की गई इनकम टैक्स रेट को लेकर काफी तू मैं हुई थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे तब उन्होंने डॉक्टर राय जयशंकर के साथ खुद ये मुद्दा उठाया, लेकिन डॉक्टर राय जयशंकर ने ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर को दो टूक जवाब देते हुए ये बात साफ कर दी कि भारत में कोई भी एंटिटी अगर काम करती है तो उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा, वरना वे भारत का मार्केट छोड़कर अपने देश वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसने ब्रिटेन को इस बात का एहसास करा दिया कि भारत अपनी पॉलिसी को लेकर एकदम पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद आज हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटेन भारत के सामने हार मानते हुए ये बात स्वीकार कर रहा है कि बीबीसी को भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा और भारत ने जो भी कार्रवाई की उसमें कुछ भी गलत नहीं था, जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि ये बात धीरे धीरे सभी विदेशी कंपनियों को ये बात याद दिला रहा है कि वह एक तरफ भारत के अंदर बिजनेस करके मोटा मुनाफा कमाकर दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं चला सकते, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जब हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कोई भी कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता है। इसीलिए भारत को अपनी अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखते हुए इस तरह के कदम उठाने चाहिए, और फिलहाल भारत यही कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा उठाए गए इन दोनों कदमों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।